तो स्टूडेंट्स आज प्रूव करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल। तो अगर थोड़ी सी इसकी डिटेल जानना चाहोगे कि व्हाट अबाउट द यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल, तो इसके अंदर लिखा है द फॉलोइंग थ्योरम दैट इज यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल एनेबल्स अस टू डिटरमाइन whether the norms of a given collection of bounded linear transformations, उस collection को हमने denote किया TI से, have a finite least upper bound LUB, or equivalently there is some uniform bound for the set norm TI। तो जैसे ये नाम से क्लियर है ना यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल के अंदर हम क्या करेंगे, एक कलेक्शन होगी बाउंडेड एंटिटीज की जिसको हम टीआई से नोट करेंगे और ये दिखा देंगे कि उनकी जो नॉर्म की आएगी वो क्या आएगी, लीस्ट अपर बाउंड आएगी, और इक्विवेलेंटली व्हाट वी कैन से देयर इज सम यूनिफॉर्म बाउंडेड फॉर द सेट नॉर्म टीआई। तो थ्योरम जो हमने प्रूव करनी है नीचे देखिए, बनाक स्टीनोस और यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल। So in exam it can be asked in three ways, that stated true Banach-Steenhoff theorem or uniform boundedness principle or statement can be given in the exam also. So what is the statement of uniform boundedness principle? In the statement we have given let B be a Banach space and N be a norm linear space. जो B है वो बच्चों क्या है, Banach space है, N क्या है वो norm linear space है. And then if TI is a known empty set, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि हम एक कलेक्शन ले लेंगे बाउंडेड एंटिटीज की जिसको हमने TI से नोट किया था इधर. If TI is a known empty set of continuous linear transformations of B into N. ये आप लोगों को पहले बताया था डिस्कस करके कि कंटीन्यूअस एंटिटीज बोलिए या बाउंडेड एंटिटीज बोलिए वो एक ही बात है। P into N with the property that TIX is a bounded subset of N for each vector in B। देखो TIX जो होगा वो सबसेट N का कैसे आएगा बच्चों, क्योंकि हमें जो TI है ना, ये TI है, ये बाउंडेड एंटिटी दी है कहां से कहां तक, बी से लेके एन तक, जिसमें जो बी है ये हमारे पास है बनाख स्पेस, बी इज अ बनाख स्पेस एंड एन इज अ नॉन लीनियर स्पेस एंड एन इज अ नॉन लीनियर स्पेस। तो जब कोई एलिमेंट हम x लेंगे b के अंदर, जब x लेंगे b के अंदर तो जो ti x आएगा वो किसको बिलोंग करेगा, n को, क्योंकि ये x की इमेज वैल्यू है और इमेज किसके अंदर जाएगी, वो n के अंदर जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इफ ti इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ कंटीन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p into n विद द प्रॉपर्टी दैट TIX is a bounded subset of N for each vector in B, then what we have shown, norm TI is a bounded set of numbers. Norm TI is a bounded set of numbers. That means to say TI is bounded as a subset of BBN. ये notation हम लोगों ने पहले पढ़ी थी बेटा, this collection B is used for collection of bounded LPs, B
BBN, ये क्या आएगी, ये आएगी कलेक्शन ऑफ बाउंडेड LTs from B to N. So don't get confused between this B and this B. ये जो बोर्ड लेटर्स में B लिखा है, एक अलग से नोटेशन इसकी दी गई, it is used for the collection. और जो अंदर B है बेटा, it is the Banach space. Banach space है, उसको B से नोट किया. तो अगर हम लोगों को ये वाला पैराग्राफ अच्छे से पता लग जाता है तो हमें स्टेटमेंट बनाना आसान है. तो स्टेटमेंट में बी Banach स्पेस दिया है, एंड नॉन बिलियन स्पेस दिया है, टीआई दिया है नॉन एम्प्टी सेट ऑफ कंटीन्यूअस एंटिटीज ऑफ बी इनटू एन विद द प्रॉपर्टी दैट टीआई इज अ बाउंडेड सबसेट ऑफ एन फॉर ईच वेक्टर इन बी. देन व्हाट वी हैव टू डू, नॉन टीआई इज अ bounded set of numbers, that is what we have to show. Ti is bounded as subset of BBN. So let us start the proof. So to prove this theorem, from where we start, for each positive integer n, let fn equal to set of all those x for which x belongs to B, and no Ti x less than equal to n for all i. तो हमने इसमें एक सेट बनाया एफ एन उन एक्स का जो बी को बिलोंग करेंगे और उनकी जो नॉन टी आई एक्स होगी वो लेस देन इक्वल टू एन आई. ये अब कैसे पता चलेगा कि हमें ये इस टाइप का सेट लेना है, क्योंकि बेसिकली हमने जो नॉन टी आई को दिखाना है उसको शो करना है बाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स. नॉन टी आई को क्या दिखाना है, बाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स. इसीलिए एफ एन के अंदर हम बी के अंदर से वे एलिमेंट लेके चल रहे हैं जिनकी जो नॉर्म है ना टी आई एक्स वो लेस देन इक्वल टू सम पॉजिटिव इंटीजर एन है, सम नंबर एन है फॉर ऑल आई. तो ये हमने बना लिया बच्चों एफ एन. तो हम अब ये क्लेम कर देंगे कि ये एफ एन है, ये क्लोज्ड सबसेट है बी का. एफ एन इज ए क्लोज सबसेट ऑफ बी. सबसेट ऑफ बी क्यों है, क्योंकि एफ एन के अंदर आप देखिए हम जो पॉइंट है वो बी के लेके चल रहे हैं, जो Banach स्पेस बी है उसके लेके चल रहे हैं. तो किसी भी सेट को क्लोज प्रूव करने का तरीका क्या होता है कि हम लिमिट पॉइंट उसके अंदर लेके चलेंगे और लिमिट पॉइंट को सेट को बिलोंग करके दिखा देंगे. ये प्रूव करने का तरीका होता है क्लोज सबसेट का. आप लिमिटिक स्पेस के अंदर, टोपोलॉजिकल स्पेसेस के अंदर बहुत बार पढ़ा होगा इसको. तो सो वी क्लेम दैट एफ एन इज ए क्लोज सबसेट ऑफ बी. सो हाउ वी कैन शो दैट, वी टेक अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एन एंड देन वी शो दैट That limit point belongs to Fn. अब देखो कोई भी Fn को belong कब करेगा, जब वो point B के अंदर आ जाए और उसकी norm Ti less than equal to n आ जाए, उस point के image की जो norm है वो less than equal to क्या आ जाए, n आ जाए, तो वो सारे के सारे element बच्चों किसके अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे Fn के अंदर चले जाएंगे. That means to say अब अगर हमें ये दिखाना है कि भाई जो ये y है ये Fn को belong कर जाए, तो बेसिकली हमें क्या दिखाना पड़ेगा इसके अंदर, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि अगर नॉर्म ऑफ टी आई वाई लेस देन इक्वल टू एन आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं ये जो वाई होगा ना, ये वाई किसको बिलोंग कर जाएगा, एफ एन को बिलोंग कर जाएगा. और अगर वो एफ एन को बिलोंग कर जाएगा तो वहां से जो एफ एन आएगा वो कैसा आ जाएगा, क्लोज्ड. तो उसी प्रोसीजर को शो करते हैं हम यहाँ पे. तो हमने लिखा टू शो दिस लेट वाई बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एन. लिमिट पॉइंट की आप डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए, देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू एफ एन सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई एंड नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा. नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई जो आएगी क्या आएगी, लेस देन डेल्टा आएगी. ठीक है, तो ये आ जाएगी नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा. लेकिन टीआई हमारे पास है कंटीन्यूअस एंटिटीज, सो टीआई क्या है हमारे पास, कंटीन्यूअस है. तो डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या आएगा, नॉर्म ऑफ टीआई एक्स माइनस टीवाई लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर नॉर्म एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा. क्यों, क्योंकि टीआई कैसे है, कंटीन्यूअस है. तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आप लोगों ने जो पहले पढ़ी है, कि अगर हम एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे बात करते हैं तो उसमें ऐसे कहते थे मोड ऑफ एफ एक्स
minus f of a less than epsilon whenever mod x minus a is less than epsilon. So we are applying the same definition for these TIs because TI are the bounded LTs or what we say continuous LTs. So what we can say that a norm TI x minus TY less than epsilon whenever norm of x minus y is less than delta. Now, क्योंकि हमें दिखाना है बच्चों norm of TY less than equal to n, तो इसलिए हम start कर रहे हैं फिर से TI y से. इसमें x आप subtract कर दीजिए, x को add कर दीजिए और दोनों साइड हम norm apply कर देते हैं. दोनों साइड हम क्या करते हैं इसमें norm apply कर देते हैं और तो ये आ जाएगा norm of TI y, norm of TI y equal to norm of TI y minus x plus TI x plus TI x. ये क्यों लिख दिया हमने? Because TIs are LTs. Because TIs are LTs. तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा norm of TI y equal to norm of TI y minus x plus norm of TI x. अब norm की ये triangle inequality लगा दीजिए तो उसे क्या आ जाएगा? Less than equal to norm of TI y minus x plus norm of TI x by triangular inequality. तो ये बन जाएगा norm of TI y minus x plus norm of TI x. Again TI क्योंकि LP है तो हम TI y minus x को ले सकते हैं norm of TI y minus TI x plus norm of TI x. लेकिन जो TI y minus TI x है या आप कहिए TI x minus TI y है ये तो less than epsilon है. ये भी क्या हो जाएगी? Less than epsilon. और norm TI x क्या लिया था हमने? Less than n. क्योंकि हमने लिया है एलिमेंट x का बच्चों fn का, तो fn के अंदर जितनी भी वैल्यू आएंगी वो क्योंकि b के अंदर तो होंगी होंगी और उनकी जो norm आएगी बेस की वो क्या आएगी? Less than n आएगी. That's why we can say that it is less than epsilon plus n. But epsilon greater than 0 is arbitrary. तो इसको हम लिख सकते हैं less than equal to n. क्योंकि हमने लिखा because epsilon greater than 0 is arbitrary. तो इस स्लाइड पे हमने ये दिखा दिया कि जो TI y की norm है बच्चों वो less than equal to n है. तो उसको प्रूव करने का बड़ा सिंपल तरीका है. y को लिमिट पॉइंट लिया, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अप्लाई की हमने, उसका TI is continuous डेफिनेशन को अप्लाई कर दो और TI y की कैलकुलेशन कर देंगे हम उसमें x सबट्रैक्ट करके x ऐड कर. तो बीच बीच में जो प्रॉपर्टी जो रिजल्ट यूज हुए मैंने ब्रैकेट में लिख दी वो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है. ठीक है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं? No TI y less than equal to n, that means to say y belongs to Fn. तो इसलिए हमने लिख दिया hence y belongs to Fn and thus Fn is closed. Thus Fn is closed. क्योंकि लिमिट पॉइंट अगर उसी सेट को ब्लॉक कर जाता है तो वो सेट कैसा कहलाएगा? क्लोज्ड सेट कहलाएगा. वो कैसा कहलाएगा? क्लोज सेट. अब ये देखो कि जो ब्लॉक स्पेस बी था बच्चों उसको हम ले सकते हैं काउंटेबल यूनियन एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी एफ एन. बी को ले सकते हैं काउंटेबल यूनियन ऑफ दीज एफ एन, इसमें यूनियन वेरी करेगी एन इक्वल टू वन टू. तो ये countable union है. तो यहाँ पे हम है ना एक theorem use कर रहे हैं बच्चों, Bayer theorem. Basically ये Bayer category theorem है जिसको हम कई तरह से ले सकते हैं. आप लोगों ने पढ़ा होगा FB complete metric space is of second category. तो first category second category आप लोगों ने topology में पढ़ी है, लेकिन उसको जिस तरह से result हम यहाँ पे use कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. के बेयर थ्योरम क्या होती है? बेयर थ्योरम ये कहती है लेट एक्स बी अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एंड इफ एक्स कैन बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट. जैसे कि अभी हमने बी को लिखा है, यहां से बी क्या है? बी इज द काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स क्योंकि एफएन को क्लोज हम प्रूव कर चुके हैं. तो अगर हम एक्स को लिख सकते हैं काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स देन अकॉर्डिंग टू बेयर थ्योरम at least one of the closed sets has non-empty integer. Then at least one of the closed sets has non-empty integer. कहने का मतलब ये हुआ कि B अगर union Fn है, अब B complete क्यों है बच्चों?
पहले तो ये देखो भी बी कंप्लीट है कैसे है, क्यों? क्योंकि बी ब्लैंक स्पेस है, जो बी है ना हमारे पास है, वो बी हमारे पास क्या है बच्चों, बी है वो ब्लैंक स्पेस है। तो ब्लैंक स्पेस जो होगा वो क्या होगा, कंप्लीट होगा और क्या होगा, नॉन लीनियर स्पेस आ जाएगा। और ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले जब हमने फंक्शनल एनालिसिस शुरू कराई थी, एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस, एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो अब अगर हम देखो इसको कंबाइन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये मिल जाता है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। तो जो ब्लैंक स्पेस होगा वो कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस होगा, या जो ब्लैंक स्पेस होगा उसको क्या कहेंगे, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कहेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बेयर्स थ्योरम, क्योंकि बेयर्स थ्योरम की स्टेटमेंट किस पे अप्लाई होती है, जब एक्स एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होगा, और उस एक्स को हम लिख सकते हैं एज अ काउंटेबल यूनिट ऑफ क्लोज सेट्स, देन वी कैन से दैट इट At least one of the closed sets, मतलब इन FNs के अंदर से कम एक FN ऐसा जरूर आएगा जिसका नॉन एम्प्टी इंटीरियर आएगा। नॉन एम्प्टी इंटीरियर आने का मतलब उसके इंटीरियर के अंदर कोई ना कोई पॉइंट एग्जिस्ट जरूर करेगा। तब आप इसको पढ़ सकते हो, सिंस B इज कंप्लीट यूजिंग बेयर्स थ्योरम, वी सी दैट वन ऑफ द FNs, से FNi, हमने FNi नाम दे दिया उसको FNs के अंदर से, has non-empty interior and thus contains a closed, non-empty interior है, अब FN के अंदर कैसे आ रहे हैं हमारे पास set, closed set आ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कह देंगे, say FNi has a non-empty interior and thus contains a closed sphere, non-empty की वजह से, क्योंकि interior का मतलब उसके अंदर कोई ना कोई value आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, thus contains a closed sphere S note, उस sphere को हमने नाम दे दिया बच्चों S note का, okay? ये S note है, with center X note, with center X note and radius R note greater than, और S note क्योंकि किसके अंदर आ रहा है, FN के अंदर आ रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, therefore each vector in every TIS node has norm less than or equal to n node, ये FN की definition से, अगर मैं तुम्हें कैसे back slide पे दिखाऊं, हमने कहा था norm of TIS less than equal to n, x क्या है b के ऊपर belong करता है, तो x इसका element आएगा बच्चों FN का है, तो जो S node sphere है वो इस FN के अंदर आ रहा है, तो इसलिए जो norm of TIS node है वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, less than equal to some n node होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, जो S node sphere है बच्चों, ये हमारे पास उसका सेंटर X node है, रेडियस क्या है R node है, तो S node का सेंटर अगर X node है, तो अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, सेंटर को शिफ्ट कर देते हैं, सेंटर को क्या कर देते हैं बेटा, शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे S node माइनस X node, तो इसका मतलब सेंटर शिफ्ट होकर ओरिजिन पे चला गया, S node का सेंटर X node था, हमने स्फीयर ले लिया S node माइनस X node, इसीलिए वो जो स्फीयर है उसका ओरिजिन बन जाएगा, सॉरी सेंटर बन जाएगा ओरिजिन, और रेडियस क्या रहेगा बच्चों आर नोट, और अगर उस स्फीयर को जो एस नोट माइनस एक्स नोट बनाया है जिसका रेडियस हमारे पास क्या है आर नोट, अगर हम आर नोट से डिवाइड कर देते हैं तो एस नोट माइनस एक्स नोट बाय आर नोट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, क्लोज्ड यूनिट स्फीयर एस, इस यूनिट स्फीयर को हमने नाम किसका दे दिया, एस का दे दिया, यूनिट स्फीयर का मतलब रेडियस वन, यूनिट स्फीयर मतलब स्फीयर हैविंग रेडियस वन, तो वो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे एस आएगा। तो देखो एस नोट था उसका सेंटर था एक्स नोट, एस नोट माइनस एक्स नोट का सेंटर आ जाएगा ओरिजिन, एस नोट माइनस एक्स नोट का रेडियस था बच्चों आर नोट, हम जैसे ही आर नोट से डिवाइड करेंगे तो जो नया स्फीयर एस बनेगा जिसको हमने नाम दिया है वो क्लोज्ड यूनिट स्फीयर बन जाएगा, मतलब क्लोज तो होगा ही होगा लेकिन वो ऐसा स्फीयर होगा जिसका रेडियस क्या आ जाएगा, यूनिटी आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा वन। उसके बाद देखो एक्स नोड तो एस नोड के अंदर था ही, हमने लिखा सिंस एक्स नोड इज इन एस नोड, क्यों, क्योंकि ये जो एक्स नोड है इट इज द सेंटर ऑफ दिस एस नोड,
स्फीयर है कोई भी, तो उसमें जब हम बात करेंगे सेंटर की, तो सेंटर क्या होगा, उसके अंदर ही आएगा। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, सिंस एक्स नोट इज एस नोट बी है, तो फिर से कैलकुलेशन करो, नोम ऑफ टी आई एस नोट माइनस एक्स नोट, उसको ले सकते हैं, नोम ऑफ टी आई माइनस टी आई एस नोट माइनस टी आई एक्स नोट। रीजन उसका सेम है फिर से, बिकॉज टी आईज आर एल टीज, बिकॉज टी आईज आर एल टीज। नॉम ए माइनस बी की तरह प्रॉपर्टी लगाएंगे, नॉम ए लेस देन इक्वल टू नॉम ए प्लस नॉम बी, तो ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू नॉम ऑफ टी आई एस नोट प्लस नॉम ऑफ टी आई एक्स नोट। अब देखो नॉम ऑफ टी आई एस नोट तो यहां से बच्चों क्या है, लेस देन इक्वल टू एन नोट आ रही है, और एक्स नोट को भी हम क्या कह रहे हैं बच्चों, एस नोट के अंदर कह रहे हैं, तो इसका मतलब एस नोट के अंदर से अगर कोई भी पॉइंट आएगा तो उसकी इमेज की जो नॉर्म आएगी वो भी क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू एन नोट आएगी। इसका रीजन दे सकते हो, बिकॉज एक्स नोट बिलोंग्स टू एस नोट, तो नॉर्म ऑफ टी आई एक्स नोट लेस देन इक्वल टू एन नोट, दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट टी आई एस नोट माइनस एक्स नोट की जो नॉर्म आएगी वो क्या आ जाएगी बच्चों, लेस देन इक्वल टू टू टाइम्स एन नोट। लेकिन हमने तो अब रिजल्ट दिखाना है टी आई के लिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों निकाल देंगे नॉर्म ऑफ टी आई एस। अब एस क्या था, ये एक ऐसा स्फीयर था जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस क्या हमारे पास वन है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी आई एस नोट माइनस एक्स नोट बाय आर नोट, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू टू एन नोट बाय आर नोट। क्यों, क्योंकि अभी देखो बैक स्लाइड पे हमने नॉर्म ऑफ टी आई एस नोट माइनस एक्स नोट क्या दिखाया, लेस देन इक्वल टू टू एन नोट, आर नोट एक स्केलर है तो वो आर नोट इससे बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ टी आई एस नोट माइनस एक्स नोट बाय आर नोट लेस देन इक्वल टू टू एन नोट बाय आर नोट। रीजन इसका दे सकते हो, बिकॉज नॉर्म ऑफ टी आई एस नोट माइनस एक्स नोट लेस देन इक्वल टू टू टाइम्स एन नोट। नॉर्म की डेफिनेशन लगा सकते हैं बच्चों, नॉर्म तुम लोगों को याद होगी हमने डिफाइन कराई थी तीन, उसमें फॉर्म ए बी सी, सो व्हाट वी कैन राइट देयरफॉर नॉर्म ऑफ टी आई इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म टी आई एस फॉर व्हिच नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन टी आई एस किससे लेस देन इक्वल है, 2 एन नोट बाय आर नोट से, तो यहां आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ 2 एन नोट बाय आर नोट, और क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है कॉन्स्टेंट है तो ये आ जाएगी इक्वल टू 2 एन नोट बाय आर नोट फॉर एवरी आई। तो ये देखो एक तरह से 2n नोट बाय r नोट है वो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, नंबर बन जाएगा, इसलिए हम क्या कह देंगे जो ti है ना वो बाउंडेड सेट है एज नंबर्स, तो ये इससे हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जो नाम इसको दिया गया है यूनिफॉर्म बाउंडनेस प्रिंसिपल वो इसलिए दिया गया है क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाउंडेड एंटिटीज, बाउंडेड है तो हमने टी आई को क्या दिखा दिया, बाउंड बाई नंबर्स दिखा दिया है, इसलिए इसको नाम दिया गया है यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल। तो इसी के साथ बच्चों ये यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। आई होप तुम लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी कोई अगर क्वेरी है तो बेटा मेरे को बता सकते हो, ठीक है।